क्रेटर में एक पहाड़ है जिसका नाम माउंट शार्प है। क्यूरियोसिटी रोवर ने इस पहाड़ की और इसे आगे वाले एरिया की तस्वीरें खींची। सबसे पहले बात करते हैं इस तस्वीर की, जिसको येलो नाइफ पे का नाम दिया गया। ये प्लेस स्केल क्रेटर के पास ही मौजूद है। इस तस्वीर में ऐसी मिट्टी और स्टोन्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि आज से 3.5 अरब साल पहले यहाँ पानी हुआ करता था। इसके बाद जब क्यूरियोसिटी रोवर इस जगह से थोड़ा आगे गया तो उसने यहाँ दो और प्लेसेस की तस्वीरें खींची, जिनमें एक का नाम पॉइंट लेक और दूसरी का नाम शैलर है। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखें, जिसमें आपको सिर्फ चट्टानें नजर आ रही हैं। इन चट्टानों के बारे में नासा के पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो आज भी इन चट्टानों को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने ये तस्वीरें खींची, जिसमें भी छोटी छोटी चट्टानें नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को स्टडी करने के बाद नासा का कहना था कि यहाँ भी बहुत ज्यादा पानी हुआ करता। क्यूरियोसिटी रोवर ने इस तस्वीर को जमीन पर भेजा। ये वो तस्वीर है जिसे पहली बार देखकर साइंसदान हैरान और परेशान हो गए थे। असल में ये गार्डन सिटी माउंट शार्प की तस्वीर है। जब आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ हड्डियों के ढांचे पड़े हुए हैं, लेकिन ये व्हाइट लाइंस मिनरल्स हैं और साइंसदानों ने भी इन लाइंस को हड्डियों के ढांचे समझा था। लेकिन ये व्हाइट लाइंस मिनरल्स हैं, साइंसदान का कहना है कि इन मिनरल्स का मतलब है कि हो सकता है कि अरबों साल पहले यहाँ लाइफ मौजूद थी, लेकिन नासा के पास इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मिनरल लाइफ का सबूत हो सकते हैं, लेकिन नासा के पास इसके बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन वो इस मिनरल को आज भी डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। गार्डन सिटी के बाद रोवर ने केल क्रेटर में मौजूद माउंट शार्प की तस्वीरें खींचना शुरू की। ये वही पहाड़ है जिसके बारे में मैंने वीडियो को शुरू में बताया था। इस तस्वीर को देखें, ये माउंट शार्प के एक हिस्से की तस्वीर है। चट्टानों की बनावट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि यहाँ अरबों साल पहले पानी हुआ करता था। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। इस तस्वीर को देखने पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई काले कलर का पहाड़ मौजूद है जिस पर छोटी छोटी चट्टानें बनी हैं, लेकिन असल में ये मार्स पर मौजूद ब्लैक रेत है और ये ड्यून्स हैं जो मार्स पर चलने वाली हवाओं की वजह से बने हैं। इनको बैंगनॉर्ड ड्यून का नाम दिया गया है। इनकी लंबाई 35 किलोमीटर है और चौड़ाई 102 किलोमीटर है। इसके बाद इसने एक और ड्यून्स की तस्वीर खींची। ये ड्यून देखने में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ समुन्दर की लहर आ रही है, लेकिन ये रेत का बहुत बड़ा ड्यून है। इसके बाद रोवर ने एक और चट्टान की तस्वीर खींची जिसमें बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बना हुआ था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर हवाओं को चलने की वजह से बना था। इसके बाद इसने एक वीडियो को जमीन पर भेजा जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में तूफान चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस बात का सबूत है कि मार्स पर तूफान आते हैं। वीडियो में दिखाई देने वाला तूफान बहुत छोटा है, लेकिन मार्स पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। ये तूफान मार्स पर मौजूद रोवर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। मार्स का अपॉर्चुनिटी रोवर भी इसी तूफान में गुम हो गया था। तूफान आने से पहले वो सही काम कर रहा था, लेकिन जब तूफान आया उसका रابطہ साइंसदानों से टूट गया और वो मार्स पर गुम हो गया, जिसके बारे में आज तक नासा को पता नहीं चल सका। इसके बाद रोवर ने बहुत सारी तस्वीरें खींची जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखें, ये एक चट्टान की तस्वीर है जिसे बहुत ज्यादा दूरी से खींचा गया था, लेकिन फिर रोवर को इस चट्टान के करीब भेजा गया, जिसके बाद पता चला कि ये चट्टान विंड अरोजन की वजह से बनी है। उसके बाद रोवर इस चट्टान के ऊपर पहुंचा और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। अब तक इसने जितना भी सफर किया था उसकी इसने एक पैनारोमिक तस्वीर खींची जो वाकई में बहुत कमाल की थी। ये क्यूरियोसिटी रोवर से खींची गई कुछ तस्वीरें थी जिन्होंने साइंसदानों को बहुत ज्यादा परेशान किया, खास तौर पर इस तस्वीर ने। आपके इन तस्वीरों के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं CHA 1101-913-773-444 की, जो जमीन से 529 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये सियारा जुपिटर से 1.1 गुना ज्यादा बड़ा है
2004 में इसे स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने मिलकर फाइंड किया था। इसका मास जुपिटर से 8 गुना ज्यादा है, लेकिन इसकी हैरान करने वाली सियारा किसी भी स्टार के ऑर्बिट नहीं करता, यानी ये एक आवारा सियारा है। और कायनात में इतने बड़े आवारा सियारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। साइंसदान का कहना है कि ये सियारा 1 करोड़ साल पुराना है और इसके गिर्द एक डिस्क भी दिखाई देती है, यानी अभी भी इसकी फॉर्मेशन हो रही है। हो सकता है कि अपने स्टार की ग्रेविटी की वजह से ये अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया हो और स्पेस में आवारा घूमने लग गया। कुछ साइंसदान का कहना है कि ये एक आवारा सियारा नहीं है बल्कि एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार है जिसकी फॉर्मेशन अभी भी हो रही है, लेकिन ये भी कायनात का सबसे बड़ा सियारा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं गोलोपी बी की। ये जुपिटर से 3.5 गुना ज्यादा बड़ा है, जो जमीन से 495 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जो सूरज से छोटे स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। इस तस्वीर में आप इस सियारे के स्टार और साथ ही सियारे को भी देख सकते हैं। इस सियारे की रोशनी अपने स्टार से 250 गुना कम है। कई साइंसदान का कहना है कि ये एक ब्राउन ड्वार्फ है क्योंकि इसका मास जुपिटर से 36 गुना ज्यादा है और साथ ही इसकी रोशनी अपने स्टार से 250 गुना कम है, यानी इतनी कम नहीं है, जबकि जुपिटर की रोशनी सूरज के मुकाबले में 25 करोड़ गुना कम है। यानी आप समझ चुके होंगे कि ये सियारा कितना ज्यादा रोशन है, जिसकी वजह से इसे ब्राउन ड्वार्फ कहा जा रहा है। इसके अलावा सीटी भी, जो जमीन से 625 लाइट ईयर दूर मौजूद है, इसे टीटोरी स्टार कहा जाता है क्योंकि इसकी उम्र 1 करोड़ साल से भी कम है। कुछ साइंसदान इसे स्टार कहते हैं और कुछ इसे सियारा, लेकिन अभी तक किसी को भी कंफर्म नहीं पता कि ये सियारा है या फिर एक स्टार है। इसका मास जुपिटर से 17 गुना ज्यादा है और इसका रेडियस भी जमीन से 3 गुना ज्यादा है। वैसे आपका इन सियारों के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।